अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। जिस दिन मैंने आपके साथ कचौरी की रेसिपी शेयर की है, जिस दिन की, उसी दिन की ये वीडियो है। और अब हो रहा था रात का टाइम और मैं चॉप कर रही हूँ प्याज हरी मिर्च को, जो कि मुझे बनानी थी शामी कबाब और सीख कबाब, जो कि उसके लिए मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। और ये चॉपर है मेरे पास एक, तो इसी में मैं प्याज चॉप कर रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। और इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है, बारीक चॉप होती हैं हरी मिर्चें और प्याज, कुछ भी आप इसमें चॉप कर सकते हैं इजीली। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये चॉपर है। प्याज वगैरह थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने चॉपर से ही कटिंग की है, और चॉपिंग बोर्ड से वैसे भी मुझसे कट नहीं होता है और भी ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, तो मैंने फिर इसी से चॉप की हैं सारी प्याज और हरी मिर्चें। वैसे तो हमने अच्छे से खाना खा लिया था, डिनर अच्छे से कर लिया था, बट अभी थोड़ा सा मेरी फ्रेंड्स के यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ भेजना था बना के, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीख कबाब और शामी कबाब बना लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं, मुझे वीडियो भी शूट करनी थी तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही कर दी। और कीमा मैंने ग्राइंड करवा के रख लिया था और प्याज वगैरह मैं अच्छे से चॉप करके रख रही थी, सारी प्रिपरेशन कर रही थी। और किचन मेरी एकदम क्लीन हो चुकी थी और ऑयल उसमें कढ़ाई में था पहले से, क्योंकि मैंने कीमे की कचौरियाँ फ्राई की थी तो इसलिए ऑयल पहले से ही उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसी में मुझे फ्राई करनी थी कबाब। और मैंने इसमें अदरक नहीं चॉप की है, चाहती तो मैं बारीक चॉप कर सकती थी, बट किसी किसी को अदरक इस तरह से मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए किसी किसी को पीस कर अदरक ज़्यादा अच्छी लगती है और इस तरह से ग्राइंड करके नहीं खा पाता है कोई, तो इसलिए मैंने इसमें से स्किप की है, अदरक मैंने इसमें चॉप नहीं की थी। ये देखें, इसमें एक छोटी सी बास्केट लगी हुई है, छोटा सा इसमें एक बॉक्स लगा हुआ है और इस तरह से उस बॉक्स में आ जाती है सारी जितनी भी हमने वेजीज कट की हैं, चॉप की हैं बारीक बारीक। तो ये देखें बहुत ज़्यादा बारीक अच्छे से चॉप हो गई हैं। और कोफ्ते वगैरह के लिए भी मुझे बनानी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा हरी मिर्चें और प्याज कट की थी, क्योंकि मुझे कीमे के कोफ्ते भी बनाने थे तो इसी में मैंने एक्स्ट्रा कट कर ली थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने चॉपर वगैरह को अच्छे से वॉश करके रख दिया है। वैसे तो मिक्सर में और चॉपर वगैरह में स्टील के ब्लेड लगे हुए होते हैं, स्टील के ब्लेड होते हैं, तो आप उनको थोड़ी देर पानी में छोड़ दें तो भी कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही रहते हैं, जंग वगैरह उनको नहीं आता है। बट फिर भी मैं हैंड टू हैंड इन सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, मिक्सर को भी मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका पानी निकाल रही थी, जो कि इसमें प्याज में अपना एक पानी होता है, मॉइस्चर होता है, इसको अच्छे से मैं अलग कर रही थी। और ये जो प्याज का रस है, इसे आप चाहें तो बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप इस प्याज के रस को यूज़ कर सकते हैं हेयर फॉल के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और इसके बाद में मैंने उस प्याज के रस को वेस्ट कर दिया था, उसके बाद मैंने कीमा निकाला था जो कि कच्चा कीमा था, और इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे, जैसे थोड़ा सा चिली पाउडर मैंने ऐड किया था, थोड़ा सा सॉल्ट, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा, और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था ताकि कबाब काले काले ना हो ज़्यादा उनका कलर डार्क ना हो। और इनको मैंने एक बाउल में कर लिया है और अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। और जो मैंने प्याज और हरी मिर्च चॉप की थी वो भी इसमें कुछ मैंने ऐड की है, थोड़ी सी बाकी मैंने बचाई है कोफ्ते के लिए। ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसमें कुछ सॉल्ट कम था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, जो कि मेरे हस्बैंड ने कंटेनर को खोल के उसमें से डाला था, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं तो डब्बा खुल नहीं पाता है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड किया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मुझे इसमें ऐड करना था। ये देखें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है,
उसके बाद में अच्छे से इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें, आपस में सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद में जैसे ही ये बैटर इसका रेडी हो जाता है, फिर मैं बनाऊंगी सीख कबाब और शामी कबाब। ये देखें, उसके लिए मैंने एक पेंसिल ले ली है, जो कि एकदम न्यू पेंसिल मैंने ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था पेंसिल को, उसके बाद मैं इसी पर बनाने लगी हूँ सीख कबाब। तो ये देखें, थोड़ा सा कीमा मैंने लिया था और उसको मैंने अच्छे से इस पर फैला लिया है, और इसको एक शेप दे दूँगी मैं, ये देखें इस तरह से। और ज़्यादा मोटा मुझे नहीं रखना था, क्योंकि हमें ऑयल में फ्राई करना था हमें। और ये देखें, इस तरह से मैं सीख कबाब सारे बना बना कर एक साइड पर रखती जा रही हूँ ट्रे में इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा इजीली ये बन गए थे, और बिल्कुल भी इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। ये देखें, और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर रेडी हुए थे। आप कुछ चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं मसाले कम ही रखती हूँ। और वैसे भी अभी मैं फ़िलहाल बना रही थी, तो ये काफ़ी लेट मैं बना रही थी। ये देखें, एकदम परफेक्ट शेप कबाब की आई है, सीख कबाब। और अब इनको करना था मुझे फ्राई, ये देखें। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरी हेल्प, जो कि उनको फ्राई करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से, बट उन्होंने सीख कबाब नहीं खाए थे, ये कबाब नहीं खाए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे थे। टिश्यू पेपर पे लगाने के बाद भी ये ज़्यादा ऑयली थे, इसलिए उन्होंने नहीं खाया है, क्योंकि लेट नाइट ज़्यादा स्पाइसेस ऑयली चीज़ें वो अवॉइड करते हैं, तो इसलिए अभी फ़िलहाल नहीं खाए थे उन्होंने। और ये मैं बना रही थी सीख कबाब और शामी कबाब इसलिए, ताकि मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ भी मुझे भेजने थे। और इस कीमे में मैंने बिल्कुल भी एग नहीं डाला है, विदाउट एग ये कबाब बना रही हूँ मैं, और बिल्कुल भी कबाब टूटे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा इजीली बन के ये रेडी हो गए थे। और उसके बाद में कबाब पूरे हो चुके थे जितने मुझे बनाने थे, और उसके बाद में मैंने शामी कबाब बना रही थी यहाँ पर, उनको शेप दे के गोल शेप में, ये देखें। और थोड़ी मैं पतली ही रख रही थी, क्योंकि अच्छे से उनको फ्राई करना था, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। और उसके बाद में एक मैंने लास्ट में सीख कबाब और बनाया था, ये देखें, और अच्छे से फ्राई किए थे, और उसके बाद भी ये नहीं टूट रहे थे, तो काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं कबाब। और ये बनकर ये सीख कर भी रेडी हो गए हैं, फ्राई होके भी रेडी हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से फ्राई किए थे हस्बैंड ने मेरे, ये देखें, काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और मैं और भी उसमें डालती जा रही हूँ। और जैसे ही ये कबाब वगैरह ये हो चुके थे, उसके बाद में मैंने कोफ्ते का सालन बनाया था, जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा था, और फिर मैंने कबाब बना के उसके लिए मसाला वगैरह रेडी किया था, और फिर मैंने कोफ्ते का सालन बना लिया था। और अब मैं पैक कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए, जिनके लिए मुझे भेजना था कबाब वगैरह, तो जो फ्राई हो रहे हैं मैं उनको दे रही हूँ। और साथ में मैंने निकाली थी चटनी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैंने कचौरी के साथ जो बनाई थी ग्रीन चटनी, वही चटनी है ये, थोड़ी सी कुछ बची हुई थी उसी को मैंने यूज़ किया है, और कुछ प्याज वगैरह भी कट की थी। शामी कबाब या सीख कबाब को बिना प्याज के तो बिल्कुल भी उनमें टेस्ट नहीं आता, और टेस्ट भी डबल हो जाता है अगर आप ग्रीन चटनी और प्याज के साथ इनको खाते हैं तो। और एक लास्ट जो शामी कबाब था, वो मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे पेंसिल पर, और ये देखें मैंने रेडी कर दिया है इसको भेजने के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ पर। और उसके बाद में ये मेरे हस्बैंड बनाते हुए लास्ट के सीख कबाब वो बोल रहे थे कि उनको भी ट्राई करना था, ये देखें, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी शेप देके अच्छे से बनाए थे, और उसके बाद में वो खा रहे थे, कुछ टेस्ट कर रहे थे, और सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, उसके बाद में उन्होंने नहीं खाया था। और साथ में ये शामी कबाब मैंने बनाए थे, उसी शेप की शामी कबाब बनाने की कोशिश कर रहे थे मेरे हस्बैंड, ये देखें, और एकदम अच्छे से परफेक्ट बनाई थी उन्होंने भी। और ये कर रहे थे वो प्याज कट, जो कि ये नाइफ उनका है, मैं इस वाले नाइफ से कट नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प है ये,
तो ये नाइफ़ अलग रहता है क्योंकि चॉपिंग करना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझसे ज़्यादा बेटर, और चॉपिंग बोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा नाइसली वो कट करते हैं सब कुछ, वेजीज वगैरह बहुत आसानी से कट कर लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है चॉपिंग करने का। बट मुझे चॉपिंग, मुझसे चॉपिंग बोर्ड पर नहीं होती है और उनसे बिना चॉपिंग बोर्ड के चॉपिंग नहीं होती है, तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए ये वाली जो नाइफ है ये बहुत ज़्यादा शार्प है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चॉपिंग करते हैं, वो चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करते हैं, इसलिए मैं इस वाली नाइफ़ को यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मेरे हाथ में कट्स लग जाते हैं, तभी भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसलिए मैं इसे बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, रेयरली यूज़ करती हूँ। अगर मुझे सैलेड वगैरह बनानी है तो मैं कभी यूज़ करती हूँ इसको, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड मना करते हैं इस वाली नाइफ़ को यूज़ करने के लिए मुझे, तो इसलिए उन्होंने मुझसे ले लिया था ये नाइफ और वो ही कट करने लगे थे प्याज को लास्ट में। उसके बाद में बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, और क्योंकि मुझे बनाने थे कोफ्ते, इसके बाद में मैंने ये देखें कोफ्ते बनाए थे इस तरह से, और मैंने रेसिपीज की शेयर नहीं की है क्योंकि मैं 3-4 रेसिपी आज मैंने बनाई हैं, इसलिए हर चीज़ शूट नहीं कर पा रही थी मैं, और थोड़ी सी थकान भी हो रही थी और बाकी सारे काम भी चल रहे थे मेरे। उसके बाद में मेरे बच्चे भी ट्यूशन के लिए भी आ जाते हैं, तो अब शुरू हो गया है फिर से, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, 3 दिन की मैंने उनको छुट्टी दी थी। और ये देखें इतने टेस्टी कोफ्ते भी बनकर रेडी हुए थे, ये देखें डिश आउट करके मैंने आपको दिखाया है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर रेडी हुए थे, और ये भी मैंने विदाउट एग बनाए हैं, इसमें भी मैंने कोई अंडा मिक्स नहीं किया था। उसके बाद में सारी जो रेसिपीज़ हो चुकी थी मेरी कंप्लीट, उसके बाद में मैं करने लगी थी कपड़ों को आयरन, जो कि कुर्ता पजामा मेरे हस्बैंड ने ईद पर पहना था, और ये दो तीन दिन पहले की वीडियो है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ये कपड़े देखे हैं, अभी ये वीडियो लेट जा रहा है आपके पास, वीडियो कई दिन पहले का बना हुआ है मेरे पास, ये कई दिन पहले शूट किया हुआ है मैंने वीडियो, और ये मॉर्निंग का है थोड़ा सा, मैंने बनाई थी ब्रेकफास्ट में कचौरियाँ। तो अगर आज का ये मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।